आप सभी को वंदे मातरम। थंबनेल से ही आप समझ गए होंगे कि ये जो वीडियो है वो मैं साइंस पेपर का डिस्कस करूँगा। और आपको पता है कि पिछले साल 2020-21 का जो पेपर है ना, वो 10th क्लास का, तो असाइनमेंट के बेस से ही नंबर मिल गया था। तो पेपर हुआ नहीं था रिटर्न में, है ना, बोर्ड का पेपर हुआ नहीं था, तो असाइनमेंट बेस से ही नंबर मिल गया था। लेकिन उसका पेपर तो बन बन चुका था, तो वो पेपर हमको ऐसा मिला है। तो वो पेपर पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर था वो किस टाइप से प्रश्न आया था, है ना। और ये आपको क्वेश्चन है, नहीं परीक्षा बोर्ड में मिलेगा, नहीं परीक्षा सारण में मिलेगा, क्योंकि ये आउट ही नहीं हुआ था, है ना। तो ये हमारे हाथ लगा है, ये पेपर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पता इसमें से 50% भी क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं, या फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आना ही है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर जो बना है पिछले साल का, वो जो कोर्स डिडक्ट हुए हैं, है ना, कोर्स कम हुए हैं। आपको पता है कि 30 से 40% जो कोर्स कम हुए उसके हिसाब से ये क्वेश्चन पेपर बना है। तो देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन पेपर है ना, वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर ये क्वेश्चन पेपर के PDF चाहिए तो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। और कैसे मिलेगा ये, है ना, बिल्कुल आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको फ़ायदा ही होगा। ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले दोनों, है ना, दोनों मीडियम वालों के स्टूडेंट के लिए है। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। सेम है ब्लूप्रिंट, आपको पता है कि इसमें जो 1 नंबर का, है ना, 1 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो ऐसा मल्टीपल चॉइस रहता है, MCQ रहता है 5 नंबर का, है ना। उसके बाद 5 नंबर का जो क्वेश्चन रहता है वो फिल इन द ब्लैंक रहेगा, और 5 नंबर का मैच द फॉलोइंग, मतलब सही जुड़ी है रहता है ऐसा, है ना। तो और 2 से आपको क्वेश्चन नंबर 2 से 6 में अगर आप देखेंगे तो 2-2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ये ब्लू प्रिंट आपको पता ही है, फिर भी मैं एक बार आपको और अच्छे से बता देता हूँ। और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक, है ना, जो प्रश्न क्रमांक है वो 3 नंबर के लिए रहेंगे। और ये सभी सेट में अलग अलग रहेगा। ये मैं जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ वो सेट A का है ना। उसके बाद मैं सेट B, सेट C, मैं सभी सेट को मैं आप इस चैनल पे मैं डिस्कस करूँगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड से रिलेटेड बहुत सारा ऐसा मैं वीडियो लाऊंगा जो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा, और बोर्ड में आप अच्छा स्कोरिंग कर पाएंगे, है ना। तो देखिए उसके बाद फिर 11 से 14 तक का जो प्रश्न है वो 4 नंबर के लिए है, और ये सभी सेट में ये अलग अलग होता है, और ये ऑप्शन में भी आता है ना। और यहाँ से 15 और 16 जो है 5 नंबर का रहता है, और ये भी ऑप्शन में रहेगा, और सभी पेपर में सभी सेट में सेम रहेगा ये, है ना, ABC में। और ये 17 और 18 नंबर का जो क्वेश्चन है वो 6 नंबर का आता है, और ये भी अलग रहेगा। तो चलिए फर्स्ट नंबर यहाँ देख लीजिए कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है कि ऊर्जा का जो प्रवाह होता है ना, एनर्जी फ्लो ऐसा आया है। ये चैप्टर 5 का है ये, है ना। अगर मैं इसमें सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, आंसर अगर आप जानते हैं तो बिल्कुल कमेंट कीजिए इसका आंसर, और अगर आंसर आपको नहीं पता है तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए। मैं इसका अलग से सिर्फ क्वेश्चन का आंसर के लिए मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा, अगर आपको इसका रिक्वायर रहेगा तो। सेकंड क्वेश्चन देखिए, केमिस्ट्री का है ये, है ना, ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर का है ये। तो इसमें कौन सा है, आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के, है ना, बिल्कुल आप इसमें कमेंट कीजिए, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3rd है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको दिख रहा होगा, ये चैप्टर 3 का हीट एंड टेम्परेचर, है ना, फिजिक्स पोर्शन का है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4th भी अगर आप देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन दिखेगा, है ना, फिजिक्स का है ये भी, और ये चैप्टर 13 का है ये, है ना। उसके बाद फिर ये आपको दिखेगा चैप्टर 9 का केमिस्ट्री का क्वेश्चन, है ना। तो बिल्कुल अगर ये आंसर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। उसके बाद फिर इन द ब्लैंक देखेंगे तो फिर यहाँ से आपको देखने मिलेगा कि इसमें, है ना, इसमें अनुवांशिकी का जनक या फिर ब्लैंक इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये चैप्टर 15 का बायो का है ये, है ना। और ये इसमें देखिए, मैं चैप्टर इस कारण बता रहा हूँ क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन नंबर जो आपका एनुअल का आने वाला है वो इसी चैप्टर से और इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे, तो बिल्कुल इसको आप इग्नोर नहीं करेंगे, ये पूरा अच्छे से ध्यान से सुनेंगे लास्ट तक, है ना। और इसके बाद जो सेकेंड जो क्वेश्चन है कि कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो कौन करता है आपको ये पता है ना, कमेंट करके बताइए। और ये चैप्टर 12 का है ये। उसके बाद चैप्टर 16 का ये क्वेश्चन है ना, इसमें आपको फंक्शनल ग्रुप बताना है, और बहुत इजी है, आपको बिल्कुल पता चल जाएगा, है ना। देखिए आगे, और क्वेश्चन इसमें
उसके बाद फोर्थ नंबर में देखिए है ना, ए सेल मेड अप ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ अपोजिट गैमेट्स इज कॉल्ड, है ना। तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, अब बिल्कुल देखिए है ना, मैच द फॉलोइंग बहुत ईजी है ना, ये हिंदी में है और ये नीचे इंग्लिश में, तो ईजिली से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना, ये भी कमेंट करके बताइए। उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने और अभी बीच में डिस्कस किया था वीडियो में, तो इससे रिलेटेड मैं बताया था कि आप अम्लीय मूरक या फिर क्षारीय जो मूलक है उसको आप कैसे जान सकते हैं, है ना, बहुत ईजी है ये। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, मैं इसका अलग से और वीडियो बनाते जाऊंगा आपके लिए, है ना। तो देखिए ये चैप्टर 2 का है, है ना। इसके बाद चैप्टर ये परिशोधित स्प्रिट है, रेक्टिफाइड स्प्रिट है, वो आपका चैप्टर 16 से है, है ना। न्यूक्लियर फ्यूजन है चैप्टर 18 से है आपका, है ना। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, ये आपका चैप्टर 14 से है, ये है ना। ओमनी वोरस देखिए बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है, ये चैप्टर है वो 5 से है। उसके बाद रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस जो चैप्टर आपका 6 से है, और क्वेश्चन नंबर 8 है वो आपका चैप्टर 13 से है, है ना। और ये 9 नंबर है वो फेरनहाइट का आपको बनाना है ना, पैमाना बनाना है आपको, और या फिर फेरनहाइट स्केल का आपको डायग्राम बनाना है, तो ये चैप्टर 3 का है। उसके बाद फिर जीवों पर प्रकृति का क्या प्रभाव पड़ता है ना, ये जो क्वेश्चन है वो चैप्टर है 1 का, है ना। और उसके बाद फिर ऑप्शनल क्वेश्चन देखिए यहाँ से बहुत इजी इसमें पूछा है कि अगर आप चैप्टर को बहुत अच्छे से समझेंगे तो बिल्कुल ये आपको आ जाएगा जीव, और ये तो बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आना ही है इसमें ये क्वेश्चन है वो, है ना। कौन सा ये प्रिंसिपल ऑफ एवोल्यूशन का, है ना। उसके बाद फिर ये भी चैप्टर 1 का है ये, है ना। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना, ये कमेंट करके बताइए कौन से चैप्टर का है ये, है ना। तो है ना, उसके बाद फिर ये आपको जो क्वेश्चन है ये चैप्टर 4 का ही है ना। ये जो 13 नंबर है देखिए, है ना, इसमें मनुष्य के मादा जनन तंत्र को या फिर ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाना है विद लेबल, है ना, 4 मार्क्स का ऐसा पूछा गया था लास्ट टाइम, है ना। तो यहाँ से इसमें ऑप्शन भी दे दिया गया है कि उत्सर्जन तंत्र मतलब स्क्रेटिस सिस्टम को आपको बताना है इसके ऑप्शन में, है ना, दोनों में से एक आपको बनाना था। ये जो क्वेश्चन है ये वाला 14 का है ना, रिप्रोडक्शन वाला, और ये वाला जो क्वेश्चन है वो चैप्टर 7 का है ना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 है एसिटिक एसिड, है ना, आपको कैसे बनाना प्रोड्यूस करना है, ये जो क्वेश्चन है वो आपका चैप्टर नंबर 16 का है, और इसमें ऑप्शन में जो दिया है चैप्टर नंबर 17 का प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्वेश्चन है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 15 और 16 होता है वो फिजिक्स का होता है, तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है, आप इसमें बिल्कुल आप इसको समझोगे तो लिख सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट विद्युत उपकरणों के प्रयोग में रखी जाने वाली 5 सावधानियाँ, तो ये 6 से है, है ना, ये उसके ऑप्शन में जो आता है चैप्टर 12 से है, और ये जो 16 नंबर का जो क्वेश्चन है वो चैप्टर 10 से है ये, है ना, और इसके ऑप्शन में आता है 13 का, तो ये जो है वो 13 का है ये, है ना, ये 13 का है ये। उसके बाद फिर 17 में देखेंगे तो आपको पता है कि नॉन मेटल और मेटल से आता है, जो कि चैप्टर नंबर 9 है और चैप्टर नंबर 11, तो इजीली आप ये रिएक्शन बना सकते हैं, है ना। धातु अधातु में अंतर ये देखिए डिफरेंस पूछा है, और उसके ऑप्शन में जो दिया है वो भी बहुत ईजी है ना। ये पूरा जो क्वेश्चन है आपको क्लास में कराया जाता है, और बिल्कुल आप पीछे का भी क्वेश्चन है ना, परीक्षा सार परीक्षा बोध अगर आप प्रीफर करते हो तो ये पूरे आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। उसका लास्ट जो क्वेश्चन रहता है वो बायो का रहता है ना, जो चैप्टर 7, 8 और 14 का रहता है, तो यहाँ से देखिए ये चैप्टर 7 का है, ये 8 का है ना, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो लास्ट का जो क्वेश्चन है वो एक सिंपल क्वेश्चन है ना, चैप्टर 7 का बोल सकते हैं, और ये चैप्टर 8 का। तो इस टाइप से आपको समझ आ गया होगा, है ना, इंग्लिश में दिया कि किस टाइप से लास्ट ईयर जो पेपर नहीं हुआ उसमें आया था, तो बहुत इजी था, है ना। अगर ये पेपर डायरेक्ट अगर आपको दे दिया जाता तो कितने नंबर आप स्कोर कर लेते ये भी कमेंट करके बताइए, और मैं इसका सेट भी है मैं बहुत जल्द लाने वाला हूँ, आप कमेंट कीजिए कि और क्या आपको चाहिए, है ना, बोर्ड के लिए। मैं सब वीडियो बना बना के अपलोड करते जाऊँगा, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए,
और लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए, तो बिल्कुल अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।